बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक साजिद बिलाल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफर्ट। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जो मुझे लाइक करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं किसी की खिदमत कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, दोस्तों में शेयर भी करते हैं। तो मैं जनाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, मैं आपका मुंतज़र रहता हूँ। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। ये भी एक बहुत पुर रौनक एरिया है जो यूनियन से निकलता है सतवा की तरफ। सॉरी, तो ये भी बड़ा बड़ा रौनक एरिया है, यहाँ से लोग सतवा की तरफ जाते हैं और जमेरा की तरफ जाते हैं, फिर उसके अलावा क्लॉक टावर और सिटी डेरा सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखने का। तो ये मैं आपको मंजर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने, ये वो रोड है जिसके ऊपर काफ़ी दरख्त भी हैं और सायादार दरख्त हैं। गर्मी की जब शिद्दत होती है तो लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम भी करते हैं, और उसके बाद फिर बड़ी मज़ेदार हवा चल रही होती है। तो ये सामने बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, सारी रिहायशी बिल्डिंगें हैं, और ये साथ बच्चों का एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, फैमिलीज़ वगैरह वाले आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर ला के इंजॉय करवाते हैं। अभी यहाँ पे इतना रश नहीं है क्योंकि शाम के तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है, तो जैसे ही लोग फ्री होंगे तो फिर इस रोड पे काफ़ी गहमा गहमी होती है। खाने पीने के बहुत सारे कैफेटेरिए हैं, बहुत सारे होटल हैं, लोग आते हैं फिर यहाँ बैठते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। आइसक्रीम पार्लर भी हैं, शीशा कैफेटेरिया भी हैं, उसके अलावा शॉप्स वगैरह भी हैं, यहाँ लोग आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उनके बाहर निकलने में, जैसे ही गर्मी का जोर थोड़ा कम होगा तो फिर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी किया करें। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो ज़िंदगी क्या है। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये चैनल बनाने का मकसद मैं जैसा कि पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि यही है कि मैं किसी की खिदमत कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। तो दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।